मेरा नाम रोशन लाल मावा है, मैं शहर खास श्रीनगर रहने वाला हूँ। 1990 13 अक्टूबर को मेरे साथ हादसा पेश आया। मुझे एक लड़का आया, उसने मेरे पेट में 3 गोलियां मारी और एक गोली वो मेरे हेड को सर को कोशिश कर रहा था मारने जो मेरे कंधे में लगी। उसके बाद मुझे कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा मजबूरन और मैं दिल्ली में सेटल हो गया। दिल्ली में मैं वहाँ काम करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत करी है। फाइनेंशियली आई एम वेरी साउंड देयर। मेरा वहाँ दिल्ली में नाम है, अच्छा नाम है। कश्मीर आने की मेरी वजह यह है कि मेरे को अंदर दिल में दर्द था। मुझे हर वक्त याद आती थी अपने वतन की, अपने भाईचारे की, अपने प्यार मोहब्बत की, तो वो दर्द मुझे आज उबर कर कश्मीर वापस लाया है। तो कितने 30 सालों के बाद तो कैसा लग रहा है? देखिए मैं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस बट आई कैन वन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कश्मीर इज देयर, कश्मीर इज़ आर डिफरेंट। इन्होंने मुझे कल हीरोज़ वेलकम दिया, मेरी दस्तारबंदी की, मेरे बारे में मकाले पढ़े, फूलों की मालाएं डाली, बादाम और शिरनी मेरे पर डाली, फूल मेरे पर डाले और मेरे को इतना प्यार दिया जितने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला। सर पंडित बरादरी क्या मैसेज है? उनको दोबारा सोचना चाहिए पंडित बरादरी को। एवरी कश्मीरी इज़ नॉट ए मिलिटेंट, प्लीज़। मैं उनको वेरी सीरियसली बात करता हूँ। उनको पीपल लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, जिनके जिस मोहल्ले में रहते थे उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। उनको देखना चाहिए क्या सारे मुसलमान ख़राब है? अगर 99 ख़राब नहीं है, एक ख़राब है, तो 100 99 कैसे हावी हो जाएगा? प्लीज़ दोबारा सोचें। और मैं आपको ये बताता हूँ, चैनल को बताता हूँ कि जितने भी कश्मीरी हैं वो तड़प रहे हैं घर वापसी के लिए, पर उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, उनके लिए हालात ऐसे नहीं बन। हालात मीन्स कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर करना है तो लोग मुझे आपस में करना है। तो कुछ कश्मीरी पंडितों ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर पे हमको कश्मीर ने यहाँ से भगा के। देखिए जितने मुँह उतनी बात है। उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोगों को मजबूरन जाना पड़ा। मैं भी जब 19 जनवरी 1990 की बात करूँगा तो मैं भी डर गया था, मेरे फैमिली भी भाग गई थी, मगर मैं अकेला वाहिद आदमी यहाँ 13 अक्टूबर तक रहा। भाईचारा जो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं है, ये यूनिक है, ये भाईचारा दुनिया में यूनिक है। तो नेशनल नहीं करके अपनी दुकानदारी मत करिए, अपनी आपकी टीपी बोलते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना गलत मत बयान कीजिए। एवरी कश्मीरी एंड मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू एंड मुस्लिम जबान हमारी रगों में एक खून है। हाँ, जो ये खला पैदा हो गया उसके लिए हल निकालिए। कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट का काम यह है, पुलिस का काम है, बुजुर्गों का काम है, दोनों जगह को बिठाना और इन चीज़ को ठीक करना है। एवरी कश्मीरी वांट्स टू कम बैक टू नेटिव प्लेस। तो जो आपने दुकान खोला है ये क्या आपका अपने नए ये दुकान हमारे अपनी थी, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसको अब इंशाल्लाह चालू किया और इसको चालू रहेगा हमेशा रहेगा। जी जी, मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे जब तक मैं हूँ जाना। तो जब आगे आपके रिलेटिव्स हैं क्या वो भी वापस आएंगे? आई डोंट नो अबाउट देम, आई नो कि एवरीबॉडी इज इन ट्रबल देयर। क्यों? वो ये ट्रबल केयर ऑफ जो अंदर की हमको मादरे वतन का दर्द है। तो जो कश्मीरी पंडित अभी यहाँ पे आने से डरते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ आ जाइए, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बैड। इक्का दुक्का वाकत होते हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। भाई इनको जो इनका वलवला है, जोश है हिंदू के लिए, वो कायम रहे। और जो नई पोत है जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं उनको एजुकेट करिए कि क्वेश्चन बट क्या वो कुछ वट वॉज कश्मीरी पंडित, क्या वो क्रूयल था या अच्छा था, उनको बताइए। उनको जो लीडर साहिबान है उन्होंने उनको गलत मैसेज दिया होगा कि ये वॉज बट जलिम होश योश, ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्गों को आगे आना चाहिए, पेश आना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको रियलिटी बतानी चाहिए। तो जब आपने कश्मीर वापस आए तो आपने खुद पहल किया किसी? मैंने खुद पहल किया, माई ओन इनिशिएटिव। मैंने कहा ना मेरे अंदर दर्द था कश्मीर आने का। और ये बताइए, मेरे पिताजी इनके साथ पहले काम कर रहे थे यहाँ 20 साल पहले या 30 साल पहले, फिर यहाँ से वो चले गए, दिल्ली चले गए क्योंकि वजह आज ही वापस आए 29 साल बाद। तो क्या बहुत मसरत हुई है कि आए हैं? पहले इनका अपना ही दुकान था, इन्होंने डेवलप किया नया,
وہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کام کریں گے. ان کے ساتھ بھی ہم کو بھی فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ باقی پنڈت بھی واپس آئے، انشاءاللہ وہ بھی آنی چاہیے. وہ کیسا لگ رہا ہے واپس آنے سے؟ ان کے آنے سے بہت مسرت ہوئی ہے کہ آئے یہاں کاروبار پہ. ان کا پہلے ہی کاروبار تھا، یہاں چل رہا تھا اچھا کاروبار، ہم کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے تھے میرے پتا جی. تم کی پہ کاروبار کران ہیکن یہ تم کر سٹھا جائیں حالات حالات خراب سیاسی طور پنڈت ہسا گھن واپس مگر گراؤنڈ لیول پہ سو کم گھنٹہ سرکار سند خطر کی میسج آپ تک کم پنڈت بائن خطر سرکار اگر تم کی بنو تم تہند خطر کرو کہ انتظام کس یہ کس نیو تو مین کیا